नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे IAS PCS प्रीलिम्स टेस्ट के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 15 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 16वां टेस्ट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ये आपका गलत है। संविधान की 6ठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, ये भी आपका गलत है। यानी कि आपके दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। आखिर इसमें सही क्या है, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? संविधान के भाग 10, संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के रूप में निर्देश कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए शासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है, ठीक है। और 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। और जो आपकी 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखना, 5वीं आपकी पूरे भारत में है, केवल 4 राज्यों को छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। वो जो 6वीं अनुसूची है, इसमें 4 वही राज्य हैं जो 5वीं में छूटे हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन का आपका आंसर था डी, ना तो 1 सही था और ना ही 2। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है? क्वेश्चन है दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। संसद के पास एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, गलत है आपका। अनुसूचित क्षेत्रों वाला प्रत्येक राज्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के बारे में सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करेगा, ए बी ए सही है आपका। फर्स्ट आपका गलत है, सेकंड आपका सही है। तो तीसरा है, राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष कार्य अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही है, ठीक है। इसमें फर्स्ट और जो थर्ड गलत है, इसमें सही क्या होगा, तो सही सुनिए आप लोग, ठीक है। राष्ट्रपति को एक क्षेत्र को, किसे याद रखिए, संसद को नहीं, राष्ट्रपति को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। वह इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है या इसकी सीमाओं में फेरबदल भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ऐसी नियुक्ति को रद्द भी कर सकता है या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी भी क्षेत्र को पुनर्निर्देशन के लिए नए आदेश भी जारी कर सकता है। तीसरा कथन है, इसमें राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ठीक है, याद रखना। किसे है? राज्यपाल को। तो इसमें केवल 2 कथन आपका सही था, ठीक है। याद रखिए, PDF आपकी टेलीग्राम पर डली रहती है, ठीक है, वहां से डाउनलोड करती जाइए। तीसरा क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला वाले पद रिपल, एथेरियम, कार्डानो किससे संबंधित है? तो ये आपके क्रिप्टो मुद्राओं से, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आपकी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। इसकी सुरक्षा संबंधी विशेषताओं के कारण इसका प्रतिरूप तैयार करना बहुत कठिन है, ठीक है, कठिन है बहुत। अब बात करते हैं हम लोग वर्तमान समय में कौन कौन सी बिटकॉइन चल रही है। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन है, रिपल है, लाइट कॉइन है, एथेरियम है, ईओएस भी है,
कार्डानोए स्टेलर भी है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला आपका चार, क्वेश्चन 14। वैश्विक शीतलन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह पुरस्कार जलवायु अनुकूल आवासीय शीतलन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। सही है, यह पुरस्कार मिशन नवाचार द्वारा समर्थित है। ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की आपके दोनों कथन सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 15। हौसला 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। यह बाल देखभाल संस्थान के बच्चों के लिए राष्ट्रीय समारोह है। सही बात है। इसका उद्देश्य बाल शोषण के पीड़ितों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। एक गलत है। तीसरा जो आपका कथन है, इस कार्यक्रम का विषय बाल सुरक्षा है। सही है, तो इसमें आपका 1 और 3 सही है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरे में सही होगा आपका, इस समारोह का घोषित उद्देश्य समग्र भारत की बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों को उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना, उन्हें अपनी छिपी हुई प्रतिभा का अनुभव कराना और इसे जीवन में आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो इसमें 5 का आपका 1 और 3 कथन सही था। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 6। क्या है 6? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम का लक्ष्य लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस मिशियंस प्रोग्राम का लक्ष्य भविष्य में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए द्वितीयक स्तर की शैक्षिक प्रमुखों को तैयार करना। सही बात है। अर्पित एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन मिड टीचिंग का लक्ष्य उच्च शिक्षा संकाय का ऑनलाइन व्यवसायिक विकास करना। ये भी सही है। ये कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किए गए हैं। ये भी सही है। तो आपका तीनों कथन सही है। 6 में आपका डी हो सी होगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका 7। समाचारों में रही पद स्वास स्टार सफल संबंधित हैं आपके, तो याद रखना हरित पटाखों से। बी ऑप्शन सही है। ठीक, क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 8वां, क्या है क्वेश्चन 8? एडोनेला संकेसिस समाचारों में था, यह क्या है? तो याद रखना, जीवाणु जो पीईटी प्लास्टिक को पचाने में सक्षम हो। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 9। कौन सा है? 9। सहेल क्षेत्र समाचारों में रहा, निम्नलिखित में से कौन से देश इस क्षेत्र का हिस्सा है? तो याद रखना, आपका माली भी है और इसमें सूडान भी है। ठीक है, 2 और 3 कथन आपके सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 10। क्या है 10? समाचारों में रहा कॉप इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य संयुक्त रक्षा अभ्यास है। ये ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन है आपका 11। क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भीड़ पर नियंत्रण के लिए पैलेट गन के विकल्प के रूप में पेलागोनिक एसिड वेनिलिल एमाइड गोले के उपयोग को मंजूरी दी है। वावा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है? विचार करना है। यह विशेष रूप से प्राकृतिक मिर्च में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। सही है। भोजन में तीखापन स्वाद और मसालेदार प्रभाव हेतु खाद्योग्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह भी सही है। यह पूरी तरह से गंधहीन और कपड़े या त्वचा को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये भी सही है। तो 11 में आपका तीनों कथन सही है। ठीक है, इसमें होगा डी ऑप्शन। ठीक है,
क्वेश्चन है हमारा बारे, क्या है बारे? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये अभियान है, अंतरिक्षयान और एक गंतव्य, ठीक है। तो इसमें आपका बात क्या होगा? ओसीरिस रेक्स, ये आपका क्षुद्र ग्रह वेनु से संबंधित है, सही बात है। जूनो शनि, ये आपका गलत है। इनसाइड, ये आपका मंगल से संबंधित है। तो एक और तीन में से सही है। दूसरा गलत क्यों है? तो दूसरा आपका जूनो है, जो जूनो अंतरिक्षयान आपका 2016 में सफलतापूर्वक, याद रखिए, बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया था, ठीक है। ये किससे संबंधित है? बृहस्पति से। जूनो आपका बृहस्पति से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए। तो बारह का क्या होगा? एक और तीन, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 13, क्या है? 13 है, पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों के गठन को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो उसमें सबसे पहले आपकी आएगी बलवंत राय मेहता समिति, दो, फिर उसके बाद आएगी आपकी एक अशोक मेहता समिति, फिर उसके बाद आएगी आपकी चार, कौन सी? जीवी के राव समिति, फिर उसके बाद आएगी तीन, यानी कि LM सिंघवी समिति। तो इसमें आपका क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 2, 1, 4, 3, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन आपका है वो आगे 14, कौन सा है? 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है विचार? ग्राम सभा गांव के सभी लोगों से मिलकर बनती है, ये आपका गलत है। एक पंचायत के भंग होने के पश्चात नई निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष तक होता है, ये भी आपका गलत है। अब इसमें सही क्या होगा वो सुनिए, तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका ग्राम पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करता है। यह एक निकाय है जिसमें पंचायत स्तर पर मतदाता सूची में उस पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार यह एक गांव का सदन होता है जिसमें एक पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल 73वां संविधान संशोधन में सभी स्तरों पर पंचायत के लिए 5 साल कार्यकाल की व्यवस्था की गई। इसमें हालांकि इससे 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है पंचायत को। एक पंचायत के गठन के लिए ताजा चुनाव पूर्ण होगा, ठीक है। 5 साल के कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले विघटन के मामले में इसमें इसके विघटन की तिथि से 6 माह का समय खत्म होने से पूर्व कराया जाएगा, ठीक है। जहां बची हुई अवधि जिससे विघटित पंचायत आगे जारी रहेगी 6 माह से कम है तो, ठीक है, याद रखिए। इस अवधि के लिए नए पंचायत के गठन हेतु कोई भी चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। अगर 6 महीने बचे हुए हैं तो कोई चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है नई का। और एक ऐसी पंचायत जिसका गठन एक पंचायत के विघटन के पश्चात कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पूर्व अगर हो गया तो वह केवल शेष अवधि के लिए प्रभाव में रहेगी। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो समय पूर्व विघटन के पश्चात एक पंचायत का पुनर्गठन 5 साल की पूर्ण अवधि के लिए नहीं होगा, वह केवल शेष अवधि तक उस पद पर बना रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें आपका डी ऑप्शन था, ना तो एक सही था और ना ही दो। क्वेश्चन है हमारा 15, क्वेश्चन क्या है? 15, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में किया गया है? तो ग्राम सभा का भी किया गया, जिला परियोजना समिति का किया गया, परिसीमन आयोग का नहीं किया गया, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ग्राम सभा का अर्थ है गांव के स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का एक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 82 किसमें? 82 में सीटों के पुनर्समायोजन का उल्लेख किया गया है, लेकिन परिसीमन आयोग के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ना कि एक संविधानिक निकाय। और जो जिला योजना समिति है
ये 243 जेड डी, कौन सा 243 अनुच्छेद जेड डी, जिले में पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मजबूत करने और संपूर्ण जिले के मसौदा विकास योजना तैयार करने की का अधिदेश करता है। ठीक है, तो इसमें आपका 1 और 3 सही था, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 16, अगला कौन सा 16, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है विचार। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, 9 गलत है। किसी नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, ये सही है। तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही है। और याद रखिए 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 9A जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं 17, तो इसमें आपका केवल 2 सही था। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 17, 17 है आपका सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कई कथन आपका सही है। तो इसमें सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये सही है। संसद स्वैच्छिक गठन के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों के समावेश विनियमन और समापन के लिए प्रावधान कर सकती है, ये आपका गलत है। ठीक है, सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। तो याद रखना इसमें आपका 1 और 3 कथन सही है। दूसरा कथन गलत क्यों है, इसमें सही आखिर क्या होगा। तो सही होगा, याद रखिए, राज्य विधायिका स्वैच्छिक गठन के सिद्धांत के आधार पर सहकारी समितियों के निगमन विनियमन और समापन के लिए प्रावधान कर सकती है, ना कि संसद। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 कथन सही था। क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से सहकारी समितियों से संबंधित हैं। तो याद रखना है अनुच्छेद 19 भी है आपका, अनुच्छेद 43 भी है, अनुच्छेद 243 जेड एच भी है, यानी कि तीनों आपके अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित हैं, यानी कि 18 में डी होगा। क्वेश्चन है आपका 19, क्या है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 होगा, यहाँ क्या होगा, जो पैसा आया था ये 1996, यहाँ 6 होगा। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है विचार। यह पंचायती राज योजनाओं का विस्तार 5वीं अनुसूची के साथ साथ 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में करता है, ये गलत है। यह सुनिश्चित क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्राम सभा को सशक्त बनाता है, ये आपका सही है, यानी कि 2 कथन आपका सही है। एक कथन गलत क्यों है, संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अधिसूचित 5वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में संविधान के बाद 9 को कुछ संशोधन और छूटों के साथ संसद द्वारा कानून के रूप में फैसला 1996 के प्रावधान का विस्तार करता है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में 10 राज्य यथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 20, क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य प्रावधान के भारतीय संविधान के भाग 9 में निहित हैं, क्या है, भाग 9 में निहित हैं। ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर, पंचायतों की सभी सीटों का प्रत्यक्ष चुनाव, ये सही है। ठीक है, पंचायतों में सभी स्तरों पर पिछड़े वर्गों के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है, ये आपका गलत है, यानी कि इसमें केवल 1 कथन आपका सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग 21, क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, तो आपकी मराठी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, या कन्नड़ है लेकिन। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सॉरी आपका केवल 2 8वीं अनुसूची से संबंधित है, बाकी मराठी और अंग्रेजी नहीं है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं आखिर, याद रखिए 22 भाषाएं हैं आपकी,
मूल संविधान में जब 14 भाषाएं थीं, लेकिन इसके बाद कुछ संशोधन करके जोड़ी गई हैं। टोटल अभी करंट में 22 भाषाएं इसमें, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है। ठीक है, याद रखें सिंधी जो आपकी भाषा है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग इसमें आपका बी ऑप्शन था। सॉरी, इसमें बी था, आप लोगों को बताना भूल गए। मराठी और कन्नड़ आपकी 8वीं अनुसूची से संबंधित है, अंग्रेजी नहीं है। कई बार पूछा, लोग बोलते हैं मैं सिग्नेचर इंग्लिश में करता हूँ, क्या हम अपनी भाषा में करते हैं 8वीं अनुसूची में? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बस इतना है। लेकिन अभी भी यूज होती है बहुत जगह यही। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, 1 और 2। क्वेश्चन क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, सही बात है। आधिकारिक भाषा को अपनाने में राज्य का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित है, ये आपका गलत है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए, ये आपका सही है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही है। दूसरे में आपका सही क्या होगा? संविधान प्रावधान करता है कि राज्य की विधायिका उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी एक भाषा या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकती है। विशेष रूप से राज्य का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इसमें होगा आपका 1 और 3। क्या होगा? 1 और 3 आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 23। अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथन चुनना है। अनुच्छेद 323 बी, अनुच्छेद 323 बी लोक सेवा के मामलों के लिए अधिकरण के गठन की बात करता है, गलत है। अनुच्छेद 323 ए यह प्रावधान करता है कि अधिकरणों का गठन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, ये सही है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार लोक सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा संबंधी मामलों से संबंधित है, ये आपका सही है। यानी कि 2 और 3 कथन आपका सही है। ठीक है, सही एक में एक गलत क्यों है? इसमें सही क्या होगा? अनुच्छेद 223 ए बी की जगह ए, केवल लोक सेवाओं संबंधी मामलों के लिए अधिकरण गठित करने की बात करता है। वहीं अनुच्छेद आपका जो 323 बी है, ये प्रशासनिक विषयों से भिन्न मामलों के लिए अधिकरण की व्यवस्था करता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 24। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कारण केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं? राजनीतिक और प्रशासनिक विचार, सांस्कृतिक विशिष्टता, सामरिक महत्व, पिछड़े और आदिवासी लोगों हेतु विशेष उपचार और देखभाल, यानी कि आपका 24 में चारों सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका
25। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को संसद द्वारा नियुक्त शासक के प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह आपका गलत है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है। ये आपका सही है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूचियों राज्य सूची सहित कि किसी भी विषय का कानून बना सकती है। ये आपका सही है। यानी कि आपका 2 और 3 कथन सही है। तो पहला गलत है, तो इसमें सही क्या होगा? प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, 2 और 3। ठीक है, चलिए। तो ये थे हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो PCS और IAS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग इसी तरह के और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है।